नमस्कार एक कहानी यह भी यह पाठ मनु भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है और यह आधुनिक युग की एक प्रसिद्ध कथाकार हैं यानी कहानी लेखिका हैं इस पाठ में उन्होंने अपने जीवन की सभी घटनाओं का वर्णन किया है और वो एक छोटे से शहर में रहती थी आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था और उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस पाठ में उन्होंने वर्णित की हैं उनका जन्म जो था भानपुरा गांव में हुआ था भानपुरा मध्य प्रदेश में है लेकिन उनका बचपन अजमेर में गुजरा अजमेर में वो ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहती थी उनका वहाँ पर दो मंजिल का घर था नीचे की मंजिल जो थी उसमें परिवार रहता था और ऊपरी मंजिल में उनके पिताजी का साम्राज्य था पहले उनका परिवार इंदौर में रहता था और उनके परिवार की समाज में अच्छी प्रतिष्ठा मानी जाती थी जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते थे उन्हें वे लोग अपने घर पर ला करके पढ़ाया करते थे और इस तरह से जो बच्चे पढ़ते थे आज वो ऊंचे पोस्ट्स पर लगे हुए हैं उनके पिताजी जो थे वो कोमल स्वभाव के थे लेकिन उनमें थोड़ा अहम था अहम यानी खुद के प्रति अहम की भावना रखते थे उनको एक बार काफ़ी बड़ा बिजनेस में लॉस हो गया था उसके बाद वो इंदौर छोड़ के अजमेर आ गए अजमेर में उन्होंने एक डिक्शनरी भी तैयार की थी उससे वो प्रसिद्ध हो गए थे लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो कमज़ोर हो गई थी पैसे थोड़े कम हो गए थे इकोनॉमिकली वो थोड़े कम पैसे वाले थे हालांकि लोग उन्हें काफ़ी जानते थे लेकिन उन्होंने इस चीज़ का प्रभाव अपने बच्चों पर नहीं पड़ने दिया और यही कारण था कि उनका स्वभाव थोड़ा क्रोधी हो गया था पैसे नहीं थे इसलिए क्रोध जल्दी आ जाता था और हमेशा उनकी माँ पर वो गुस्सा किया करते थे क्योंकि इकोनॉमिकली थोड़ा कमी थी तो सारा गुस्सा माँ पर उतरता था बच्चों को कुछ भी कहा नहीं जाता था उन्होंने लोगों से काफी धोखा खाया था इसलिए उनका स्वभाव भी शक हो गया था और वो हर किसी को शक की नजरों से देखने लगे थे लेखिका इस पाठ में अपने पिताजी को याद करती है और कहती है कि उसके पिताजी के कितने गुण और अवगुण उसमें आए हैं आज वो यह बात करना चाहती है लेखिका के पिताजी जो थे उनको उनका काला रंग पसंद नहीं था लेखिका का और वह दुबली पतली भी थी लेकिन पिताजी को गोरा रंग पसंद था और बड़ी बहन जो थी वो गोरे रंग की थी इसलिए पिताजी उसे ज़्यादा प्यार करते थे ज़्यादा चाहते थे इसी कारण से लेखिका के मन में हीन भावना आ गई उसमें इतनी हीन भावना आ गई कि आज वो अपनी तारीख भी खुलकर नहीं सुन पाती है लेखिका की जो माँ थी वो विपरीत स्वभाव की थी और हर समय सेवा करने के लिए तैयार रहती थी और उनके पिताजी की हर कमज़ोरी का गुस्सा उनकी माँ पर निकलता था लेखिका पांच भाई बहनों में सबसे छोटी थी और उनकी जो सबसे बड़ी बहन थी उनकी शादी हो चुकी थी जिसको याद करके आज भी वो कहती हैं कि उन्हें धुंधला सा याद है घर के जब आंगन में वो खेलते थे तो उनके साथ उनकी बहन सुशीला भी खेलती थी जो बच्चे खेल खेलते हैं वो सब खेल खेला करते थे और लड़कों वाले खेल भी खेलते थे लेकिन घर के आंगन तक में ही रह करके खेल सकते थे इनके घर के लड़कों को कहीं भी आने जाने की छूट थी लेकिन लड़कियां जो थी वो केवल घर में खेलती थी उस समय जो परिवार थे घर थे वो सब एक दूसरे घरों के परिवारों का हिस्सा होते थे लेकिन लेखिका को फ्लैट की ज़िंदगी जो है वो अच्छी नहीं लगती है और उनकी जो कहानी के जो भी पात्र हैं वो उस समय मोहल्ले से लिए हुए हैं यानी जो मोहल्ले में लोग होते थे उन पर ही वो कहानियाँ लिखती हैं उस मोहल्ले के लोगों के कारण जो है उनके मन पर काफ़ी गहरी छाप आई थी और यही कारण है कि वो कहानी भी लिखती हैं और उपन्यास भी लिखती हैं तो उन्हीं को अपना कैरेक्टर बना कर के लिखती हैं उस समय समाज में लड़की की शादी के लिए सोलह साल की आयु मानी जाती थी और मैट्रिक पास हो जाए बस इतना ही माना जाता था उनकी बहन की शादी सन उन्नीस में हो गई थी और दोनों बड़े भाई पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे और सब जाने के बाद लेखिका को अपने व्यक्तित्व का एहसास हुआ पिताजी जो थे वो कभी भी उन्हें घर का काम नहीं कहते थे करने के लिए और बस ये कहते थे कि उन्हें राजनीति का पूरा ज्ञान होना चाहिए चारों तरफ उस समय आज़ादी की लहर छाई हुई थी और लेखिका भी उसी और अपने आप को ले जा रही थी दसवीं कक्षा तक तो उन्हें जो मिल जाता था वही पढ़ लेती थी लेकिन जब वो कॉलेज जाती हैं तो वहाँ उन पर जो मैम है उनकी शीला अग्रवाल उन्होंने काफ़ी उन्हें प्रभावित किया और कुछ जो बुक्स थी उन्हें चुन करके दी उनके साथ उसकी बहस भी होती थी कि किस बुक में क्या है जोशीला अग्रवाल की संगति में वो रही तो उनका परिचय बाहर की दुनिया से भी हो गया पिताजी के साथ वो हमेशा राजनीतिक सभाओं में जाया करती थी लेकिन सक्रिय राजनीति में जब वो आई तो उनकी मैम ने ही उन्हें प्रेरित किया था जब छियालीस सैंतालीस का समय चल रहा था यानी जब आज़ादी का समय आने वाला था तो उस समय देश में बड़ी ऐसी लहर चल रही थी कि कोई भी चुपचाप घर में नहीं बैठ सकता था पिताजी जो थे वो काफ़ी दकियान उसी विचारों के थे और एक तरफ तो उन्हें राजनीति में भाग लेने की के लिए प्रेरित करते दूसरा घर से बाहर की राजनीति में भाग लेना उन्हें अच्छा भी नहीं लगता था यानी अब दोनों ही चीज़ें वो चाहते थे और यही वजह थी कि पिता और बेटी के विचारों में टकराहट होने लगी पिताजी चाहते थे कि कोई ऐसा काम करें जिससे समाज में प्रतिष्ठा हो यानी आपका नाम हो और यही बात थी कि लेखिका को हमेशा उनके गुस्से का पात्र बनना पड़ता था पिताजी हमेशा उन पर गुस्सा किया करते थे एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आता है पिताजी के नाम और उन्होंने उन्हें बुलाया था कॉलेज में बात करने के लिए उन्होंने प्रिंसिपल सर ने बताया कि इनका कॉलेज में काफ़ी दबदबा है मनु भंडारी जी का और सारा कॉलेज उनके एक इशारे पर खाली हो जाता है वे तीन लड़कियां हैं जिन्होंने कॉलेज को चलाना मुश्किल कर रखा है पिताजी को ये सुनकर काफ़ी गर्व हुआ कि उनके घर में एक ऐसा नेता है जो इस तरह से अपनी एक आवाज़ पर कॉलेज को खाली करवा सकता है अब की बार पिताजी ने उनकी प्रशंसा की तारीफ की तो उन्हें काफ़ी अजीब लगा उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि पिताजी उसकी तारीफ भी कर सकते हैं उसके विचार सुनकर उसके पिताजी के एक बार मित्र आए और उन्होंने कुछ उल्टा सीधा उन्हें कह दिया पिताजी को और वह बात सुनकर के पिताजी आग बुला हो गए और सारा दिन माँ पर कुछ ना कुछ बोलते रहे जब वह रात को घर आती है तो उसके पिताजी के पास उनके एक मित्र बैठे हैं जिनका नाम अम्बालाल जी था और अम्बालाल ने मनु को देखते ही उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया और उनके पिताजी को कहा कि आपने मनु का भाषण सुन करके अच्छा नहीं किया उसकी जब वो तारीफ कर रहे थे तो अब पिताजी को बड़ी खुशी हुई अब वो बड़े गर्व के भाव से उन्हें देखने लगे उस समय की बात करते हुए पुरानी बातों को याद करते हुए कहती हैं कि क्या वास्तव में उनका भाषण अच्छा था और उस समय के समाज में लड़की के द्वारा इस तरह से धुआंधार बोलना सब पर कैसे अपना प्रभाव छोड़ गया था लेखिका के पिताजी के भीतर जो थे कई प्रकार के विरोध थे वो कई बार एक ही बात को दो तरीके से करवाना चाहते थे मई उन्नीस में एक घटना होती है कि उनकी मैम जो थी शीला अग्रवाल उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो लड़कियों में अनुशासनहीनता फैला रही हैं इस प्रकार से यह उनके कॉलेज की एक घटना है लेकिन इसमें जीत लड़कियों की हुई और यह एक उनके लिए खुशी लेकर के आया उस समय भारत पंद्रह अगस्त उन्नीस को आज़ाद हुआ था और यह सभी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, थी इस प्रकार से लेखिका ने अपनी एक कहानी लिखी है एक कहानी यह है भी अगर आपको इस कहानी से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं थैंक यू फॉर